दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दी थी ऑनलाइन अर्निंग पर, जहां पर आपको पहले थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, फिर आपको जीएसटी नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती थी, फिर कहीं जाकर आप थोड़ा पैसा कमा पाते थे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा आइडिया लेकर आया हूं जहां पर ना तो आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट करना और ना ही आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद भी आप पैसा कमाएंगे, 100% कमाएंगे। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि ये किस तरह से काम करता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। स्टडी मतलब डियर सर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सेलिंग कितनी तरह की होती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग और एक होती है इनडायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम रीसेलिंग भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डायरेक्ट सेलिंग की, जहां पर हमने फ्लिपकार्ट और अमेजन को डिस्कस किया था, मगर वहां पर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आपके पास था नहीं। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट पहले खुद से खरीदने पड़ते थे और उसके बाद ही आप उसे बेच सकते थे, मतलब आपको वहां पर पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता था। तीसरी प्रॉब्लम जो आपको आ रही थी वो ये थी कि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो आपको वो खुद से बेयर करना पड़ता था, उसका लॉस जो है आपको खुद ही उठाना पड़ता था। मगर मेरे दोस्तों, इनडायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपको प्रोडक्ट खरीदना, ना आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, और ना ही आपको रिटर्न का नुकसान खुद झेलना है। और ऐसी एक एप्लीकेशन है मीशो एप्लीकेशन, जो इनडायरेक्ट सेलिंग की लाइन में धूम मचाए हुए है और इस वक्त इंडिया में नंबर 1 चल रही है। और इस एप्लीकेशन की पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि आप यहां से कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचते हैं ना, तो उसको ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, मतलब यहां पर कोई लिमिट नहीं है। अगर 300 का प्रोडक्ट है ना, आप 500 का बेचें या 1000 का बेचें, या आपके ऊपर बात है। तो आइए जानते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको किस तरह से कमा के दे सकती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करके मीशो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप मीशो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, अब उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट अकाउंट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो मैं इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको आगे बेच सकते हैं। तो यहां पर मैं जाता हूं प्रिंटेड कुर्तीज में जाता हूं, तो प्रिंटेड कुर्तीज में भी बहुत सारे कैटलॉग यहां पे मौजूद हैं। तो मैं येलो कलर वाला जो है ना, इसको चूज कर लेता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहां पर अगर हम नीचे देखें तो बहुत सारे आइकन हमें दिख रहे हैं, शेयरिंग ऑप्शन हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, और अगर इनके अलावा आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, तो आप अदर्स पे क्लिक करके वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि व्हाट्सएप पे किस तरह से शेयर किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही इन्होंने कुछ फाइल्स को डाउनलोड किया, कॉपी किया, और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप खुल चुका है। यहां पर आपको अपने देखने हैं पोटेंशियल बायर्स की कौन कौन ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, हमारी टीम डियर सर है, ये खरीद सकती है ये प्रोडक्ट। तो मैं यहां पर इनको शेयर कर देता हूं। तो ये जितने भी फोटोज थे ना, ये यहां पर आ गए हैं। यहां पर देखिए कि सारे के सारे फोटोज जो कैटलॉग के थे यहां पर आपके सामने आ चुके हैं। आप ये फोटोज शेयर कर दीजिए। अब शेयर करने के बाद आप यहां पर डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे, पेस्ट करना है सिर्फ आपको। ऑलरेडी कॉपी हो चुका, आपको डिस्क्रिप्शन जाकर दोबारा कॉपी नहीं करना है। व्हाट्सएप पर आपने क्लिक करा, फेसबुक पर आपने क्लिक किया, वो ऑलरेडी कॉपी हो चुका है डिस्क्रिप्शन, यहां पर जस्ट आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसमें आपको जो ऐड करना है वो है प्राइस। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्राइस ऐड करना मत भूलना, क्योंकि यहीं से ही तो आपकी कमाई होगी। तो 570 रुपीज की थी, तो हम इसको मान लेते हैं कि हम 900 रुपीज का इसे बेचेंगे और जो बाकी पैसे होंगे वो हम अपना मार्जिन मान लेते हैं। तो यहां पर हम डाल देते हैं प्राइस इसके 900 रुपीज, और हमने डिस्क्रिप्शन जो होता है इसका वो भी शेयर कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि हमें यहां से येलो कलर की जो कुर्ती थी ना, उसका हमें ऑर्डर मिल गया है। अब हमें उस ऑर्डर को प्लेस करना है अपने कस्टमर के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से मीशो एप्लीकेशन में जाएंगे, इस कैटलॉग पर क्लिक करेंगे, और जो येलो कलर की कुर्ती थी ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने डिटेल्स आ चुकी हैं इसकी कि फ्री शिपिंग है, 570 रुपीज की है। तो यहां पर हम ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों आपसे दो ऑप्शंस को भरने के लिए बोलेगा, फिल कीजिए इसे। तो पहला ऑप्शन है चूज द साइज ऑफ योर
कस्टमर अपना साइज मत भर देना आप यहाँ पर, ठीक है। तो कस्टमर का साइज हम यहाँ पर चूज करेंगे मीडियम, ठीक है। मुझे तो मीडियम का ऑर्डर मिला था, हमें नहीं पता कि आपको कौन सा ऑर्डर मिला है, वो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो मुझे मीडियम का ऑर्डर मिला था, मैंने मीडियम भर दिया और क्वांटिटी एक ही थी। आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मुझे तो एक ही क्वांटिटी का ऑर्डर मिला था, तो मैंने तो क्वांटिटी एक ऐड कर दी। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो कार्ट में एक आइटम शो होने लग गया। तो मैं कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको मांगेगा पेमेंट ऑप्शन कि आप कौन सा पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन है और COD है, कैश ऑन डिलीवरी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कैश ऑन डिलीवरी को ही चूज करें, वो ज़्यादा हैंडी लगता है मुझे, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डिटेल्स खुल गई है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 570 रुपीज़ की कुर्ती थी, कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस 0 है और फर्स्ट ऑर्डर पर मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल रहा है जो कि मीशो एप्लीकेशन दे रही है। तो डेट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है मुझे 470 रुपये का ही पड़ रहा है। अगर मैं इसमें शिपिंग चार्जेस ऐड करूं जो कि 0 थे, हमारे लिए तो शिपिंग फ्री थी, तो 470 रुपीज़ का पड़ा ये प्रोडक्ट मुझे। अब मुझे क्या करना है, प्रोसीड अहेड, बस हमें प्रोसीड आगे करना है और यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स डालनी है। अब कस्टमर की डिटेल के लिए आप नीचे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और जो जो ये मांगे वो देते चले जाइए। कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस देने के बाद नीचे आप सेव कर दीजिए डिटेल्स को और उसे सिलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डिटेल बना रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया और आगे प्रोसीड कर दिया। यहाँ पर मेरे दोस्तों आपके सामने आया सेंडर की डिटेल। अब सेंडर कौन है, सेंडर तो आप है ना, मीशो अपना आपको कहीं शो नहीं करेगा। ये प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं ना, या आप बेच रहे हैं, बाकी सिरदर्दी सारी मीशो की है, मगर प्रोडक्ट बेच रहे आप है। तो यहाँ पे सेंडर की डिटेल्स, जैसा हमने कस्टमर की डिटेल्स ऐड करी थी वैसे ही सेंडर की डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ऐड न्यू पर क्लिक करके नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए। ये मैं मान लेता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, तो सेंडर नाम से मैंने बना रखा है, ये मेरा सेंडर है, मैंने आगे प्रोसीड कर दिया। तो अब हमने कस्टमर की डिटेल्स भी डाल दी और सेंडर की डिटेल्स भी डाल दी, हमारी फाइनल विंडो हमारे सामने आ चुकी है जहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर द फाइनल अमाउंट टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर। तो ये अब कस्टमर से मीशो जाके ये अमाउंट कलेक्ट करेगी। तो हमने कितने की बेची थी कुर्ती, याद दिलाई है, थोड़े से याद करिए, 900 रुपीज़ की बेची थी ना। तो यहाँ पर हम 900 रुपीज़ डाल देंगे तो हमारा मार्जिन भी यहाँ पर शो हो गया 430 रुपीज़। 430 रुपीज़ यहाँ पर हमारा मार्जिन है, जो 330 रुपये थे वो होते थे कुर्ती के 570 रुपीज़ से ऊपर, और 100 रुपीज़ जो हमें डिस्काउंट मिला है मीशो की तरफ से। तो यहाँ पर 430 रुपये हमारा मार्जिन आ चुका है, बस आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है और लीजिए प्लेस हो चुका ऑर्डर। अब बाकी का जो प्रोसीजर है मेरे दोस्तों वो मीशो खुद हैंडल कर लेगा। जैसे अब उस प्रोडक्ट को पैक करेगा, पैक करने के बाद जो एड्रेस आपने प्रोवाइड कराया था ना अपने कस्टमर का, उस एड्रेस पर उसको वो डिलीवर भी कर देगा। और जितना अमाउंट आपने कहा था 900 रुपीज़ कहा था हमने, तो अपने केस में वो 900 रुपीज़ आपके कस्टमर से लेकर भी पूरे आ जाएगा। अब 7 से 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो आपका मार्जिन भेज देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 7 से 10 दिन क्यों लगेंगे सर, क्योंकि इनकी एक रिटर्न पॉलिसी होती है जिसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वो 7 दिन के अंदर उसे वापस कर सकता है। तो अगर किसी कस्टमर ने 7 दिन में वो प्रोडक्ट वापस नहीं किया तो डेट मीन्स वो प्रोडक्ट हो गया उसका, और आपका जो मार्जिन है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर बैंक अकाउंट डिटेल्स कहाँ दें, तो बहुत आसान है, अब माय अकाउंट पे क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई दे रही है, उस पर आप क्लिक कीजिए और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ पर भर दीजिए। बहुत ही आसान है और मीशो आपका मार्जिन वहाँ पर भेज देगा। इसके अलावा इनका दूसरा एक और तरीका होता है पैसा कमाने का, इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, वो है रेफर एंड अर्न। मीन्स अगर आप इस एप्लीकेशन को किसी को रेफर करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और वो उस लिंक के थ्रू ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है, तो आपको मीशो की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो ये थी मेरी एक कोशिश कि आपको मैं बता पाऊं कि किस तरह से रिसेलिंग एप्लीकेशंस काम करती हैं और आप कैसे बगैर पैसा लगाए, बगैर इन्वेस्ट करें, बगैर अपनी जेब से 1 रुपया लगाए पैसा कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे।
तो आपको मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मीशो एप्लीकेशन काम करती है। अब आप क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके मीशो एप्लीकेशन डाउनलोड जल्दी से कर लीजिए और आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और अगर आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं जिनको इस तरह की एप्लीकेशन की ज़रूरत है, इस तरह की अर्निंग्स की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।